Assalamu alaikum, this is Sajad Sharma and today I'm going to talk about narcissism. Have you ever heard of narcissism or has someone ever called you a narcissist? If not, let's talk about it. So basically, narcissism is a narcissistic personality disorder. If an individual is a narcissist, if an individual is having narcissism, then they would call him a narcissistic person. नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स में आपको बताता चलूँ कि वो क्या होते हैं. उनमें वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट इंडिविजुअल विल हैव अ हाई सेंस ऑफ यू नो सेल्फ इम्पोर्टेंस, एन इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस. फिर आती है कि ही नीड्स एंड ही रिक्वायर्स एडमायरेशन, एंड देन सबसे जो बड़ी बात है इसमें जो इशू है वो है लैक ऑफ एम्पैथी, जिसको हम उर्दू में हमदिली कहते हैं. तो बेसिकली ये नार्सिसिस्टिक पर्सन जो होता है वो कोई बुरा बंदा नहीं होता, रादर वी शुड कंसीडर के ये उसके कुछ इश्यूज साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल इश्यूज के से गो थ्रू हो रहा होता है बंदा. तो ये वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्सन, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट इस चीज़ को लीड करता है. Environmental factors are the main causes of this narcissistic personality disorder. अब मैं जहाँ देखता हूँ कि बहुत से जगहों में narcissistic personality disorder को या इसको misperceive किया जाता है autism के साथ. तो एक autistic individual different होता है एक narcissistic person से. वो इस तरह से कि जो autistic होता है वो एक neurodevelopmental आपका problem है, जबकि एक नार्सिसिज्म जो है वो आपके पास आपकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, आपके बिहेवियरल, आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं इसमें. तो इन दोनों की आप डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली एक नार्सिसिस्टिक पर्सन में जैसे आई सेड के लैक ऑफ एम्पैथी ही विल ऑलवेज उसको जो है ना एडमिरेशन की नीड होती है, फिर जाके एक्सप्लॉइट करता है दूसरे बंदों को, क्योंकि वो अपनी मैनिपुलेटिव बिहेवियर को लूज़ नहीं करता या उसको वो कम दिखाना या अपनी सुपेरियॉरिटी को वो लूज़ नहीं करता. तो इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज सुपेरियॉरिटी एंड मैनिपुलेटिव बिहेवियर वो दूसरों को भी एक्सप्लॉइट करता है. सो दिस एक्चुअली यू नो द पर्पज़ ऑफ मेंशनिंग नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करने का वो मकसद मेरा यही है कि कहीं ना कहीं हम सब में किसी हद तक नार्सिसिज्म ज़रूर मौजूद है, जहाँ हमें दूसरों का पेन समझने के लिए, उनके इमोशंस को समझने के लिए एम्पैथी की नीड हो, वहाँ हम लैक करते हैं. तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ नार्सिसिज्म. तो अगेन दिस इज़ समथिंग जो अगर किसी के पर्सनालिटी में आता भी है तो बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट हैज ग्रोन अप इन. तो ये हम वी कैन वर्क ऑन देम, वी कैन इम्प्रूव एंड वी कैन बी अ पर्सन ऑफ वैल्यू एंड वी कैन बी अ पर्सन